आज से भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला डबलिन के मैदान पर खेला जाएगा। वेस्टइंडीज दौरे पर मिली शर्मनाक हार को भुलाकर टीम इंडिया अब एक नई शुरुआत करना चाहेगी। इस सीरीज के लिए टीम के सभी सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। हालांकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह 11 महीनों के बाद वापसी करते हुए नजर आएंगे। बुमराह को इस सीरीज के लिए टीम का कप्तान बनाया गया है। साथ ही युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ उप कप्तान के रोल में नजर आएंगे। टीम में रिंकू सिंह और जितेश शर्मा के अलावा कई सारे युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। क्रिकेट फैंस, युवा खिलाड़ी और खास तौर पर जसप्रीत बुमराह को मैदान पर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन मैच से पहले ही फैंस की उम्मीदों को एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल भारत आयरलैंड पहले T20 मैच पर बारिश के काले बादल मंडरा रहे हैं। पहला T20 मुकाबला डबलिन में द विलेज के माला हाइट क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। मौसम विभाग के अनुसार डबलिन में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रह सकता है। पूरे मैच में बारिश की संभावना 100% है और आसमान में काले बादल छाए हुए नजर आएंगे। ऐसे में पहला T20 मैच बारिश से प्रभावित हो सकता है। वाकई में अगर बारिश के कारण मुकाबला रद्द हुआ तो क्रिकेट फैंस के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। वैसे अगर पिच की बात की जाए तो इस मैदान पर पहली पारी का एवरेज स्कोर 151 रन और दूसरी पारी का एवरेज स्कोर 137 रन है। माना जाता है कि यह पिच गेंदबाजों के लिए बेहतरीन हो सकती है। ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को यहां पर संभलकर बल्लेबाजी करनी होगी। वैसे रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो भारत और आयरलैंड के बीच अभी तक ज्यादा मुकाबले नहीं खेले गए हैं। 2009 से 2022 के बीच इन दोनों देशों के बीच कुल 5 T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए और सभी में टीम इंडिया ने जीत का स्वाद चखा। उम्मीद है कि टीम इंडिया अपने इस सफल सिलसिले को इस T20 सीरीज में भी बरकरार रखना चाहेगी।